बहुत प्यार से कि वो टूटे ना, दिख गया ना, टूट गया ना, जैसे कि अभी अभी हरदीप जी ने तोड़ा है इसको। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो जी आज मिले हैं बहुत दिनों बाद। तो पैकिंग कर रहे हैं, तो वो देखो। और यहाँ पे एक अच्छा और सेम टाइम पे बुरा भी कॉन्सेप्ट है कि आपको घर वैसे ही छोड़ के जाना है जैसे आपको मिला था। तो पूरी साफ सफाई, वॉल्स, सब कुछ एकदम वैसे ही होना चाहिए। तो अब मैं क्या कर रही हूँ इसके साथ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने पेंटिंग लगाई हुई थी और उसको जब उतारा ना, यूजुअली नहीं ऐसा होता है, बट क्योंकि हमने बहुत सालों से लगाई हुई थी, अराउंड 3.5 ईयर्स, 3 एंड हाफ ईयर्स, तो हमने इतने टाइम बाद उसको उतारा तो वो कहीं कहीं से वॉल चिप ऑफ हो गई है। तो अब हम ये किट लाए हैं बनिंग से और इसको हम फिक्स कर रहे हैं। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि मुझसे हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो बेसिकली ये एक वॉल पट्टी टाइप का वो है, हो गया ऑलमोस्ट। उसको छोड़ना पड़ेगा ऐसे। हाँ, थोड़ा और फिल करना पड़ेगा, थोड़ा और ले, अब फिल कर, अब ज्यादा प्रेस मत कर। कॉर्नर से बस छोड़ दो, वो सैंड पेपर हो जाएगा। है सैंड पेपर उसमें? हाँ, सब है उसमें। ये पूरी एक किट है जिसमें एक ये स्पैचुला है, ये पट्टी टाइप का कुछ है, क्विक ड्राई प्लास्टर बोर्ड जिप रॉक, ठीक है, और क्या है, और ये सैंड पेपर है, और एक और है जो कि बड़े पैच, अगर आपका बड़ा होल हुआ है तो उसके लिए पूरा इन्होंने पैच दिया हुआ है कि वहाँ पे ये लगा के फिर ये लगा सकते हैं। पर हमारे छोटे छोटे यू नो फिक्स और रिपेयर्स हैं, तो हम इसी से हमारा काम आई थिंक हो जाएगा। बट बताओ तो कि हम ये कर क्यों रहे हैं, मतलब क्या रीज़न क्या है, हम छोड़ के ऐसे भी जा सकते हैं? हाँ, पॉइंट, हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब यहाँ पे घर पे मूव इन होते हो तो आपको एक बॉन्ड देना होता है, बेसिकली इट्स अ सिक्योरिटी। तो इट इज़ अराउंड $2,000 इंडिया के, डिपेंडिंग ऑन द रेंट। ओके, हाउ मच यू आर पेइंग इट डिपेंड्स ऑन दैट। तो हमारे $2,000 हमने दिए हुए हैं, तो वो हमें तभी वापस मिलेगा अगर हम ये घर उनको उसी हाल में वापस देंगे जिस हाल में हमें मिला था आज से एग्जैक्ट 3.5 साल पहले। बट फिर भी वो कुछ कमियां निकाल ही लेंगे, वो फिर भी कुछ ना कुछ कमियां निकाल के बॉन्ड काटेंगे। बट हम चाहते हैं कि कम से कम बॉन्ड कटे, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो न्यू अपार्टमेंट है, न्यू प्लेस है, उसका भी इतने के ही अराउंड, और हमने उसके नीचे पार्क है। अच्छा, उसका भी बॉन्ड हमने सेम इतने के अराउंड दे चुके हैं ऑलरेडी। तो बेसिकली इस टाइम हमारे दो जगह बॉन्ड अटके हुए हैं, तो हमें ये है कि एटलीस्ट एक जगह से वापस आ जाए। तो इसलिए हम साफ सफाई खुद कर रहे हैं और ये सब फिक्सेस एंड रिपेयर्स अच्छे से कर रहे हैं, जबकि हमारा इतने बुरे हाल में नहीं था जितना मैंने देखा है यहाँ पे यूजुअली, बट फिर भी जितना भी है, और इसी रीजन से हम जहाँ जा रहे हैं वहां पे भी हमें इक्वली साफ मिलेगा, क्योंकि जो वहां से निकले हैं वो भी ऐसे ही करके गए हैं। तो आई थिंक दिस इज अ गुड यू नो प्रैक्टिस, ये इंडिया में भी होना चाहिए। बट ठीक है, इसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं हर जगह के। हमें आदत है ना कि इंडिया की तरह आके कोई सफाई वफाई भी कर जाएगा और कोई हमारी मूविंग भी कर देगा। ओके, स्टॉप इट नाउ कि हमारी, एक मिनट लग रही है मेरे को, खड़े रहो। तो चलिए एक और ट्राई करते हैं कि ये होता है कि नहीं होता, इससे पहले कि ये सूखे। हट, चलो बहुत है मेरे ख्याल से, वो ड्राई होगा तो फिर वो कर देना, बस ऐसे छोड़ दो उसको। हाँ, बस ऐसे छोड़ दो,
किससे कर रहे हो ये हरदीप, किससे कर रहे हो ये? ईट गुस्से। और ये जो क्लिप्स हैं, इसका रीजन ये है यहाँ पे लगाने का, ये जो वॉल है ये ब्रिक वॉल नहीं है, ये वुडन वॉल है, एक तरीके की प्लाई होती है, तो इसमें हम ड्रिल नहीं कर सकते। ड्रिल करना मतलब बहुत सेफ नहीं है और चीज हैंग नहीं होगी, तो इसलिए यहाँ पे कमांड टेप्स आती हैं जो कि इंडिया में भी आती हैं और ये एज पर वेट होती है, मतलब कितना वेट आपको हैंग करना है तो उस पर केजीज मेंशन होते हैं। तो ये एक सेफेस्ट है कोई चीज़ हैंग करनी हो, डेकोरेट करना घर को, बट हाँ इसको बहुत केयरफुल तरीके से, इसको इस तरीके से इसका एक प्रोसीजर है। हाँ, इसका बेसिकली एक तरीका है इसको उतारने का, वैसे ही उतारा जाए तो वो आपको अभी हम दिखाते हैं तो उसका निशान नहीं रहेगा। तो जी आप देख सकते हैं कि मैंने कितना ही फ्लॉलेसली करा है। तो जी ये हम भूल ही गए थे, ये देखिए, रुको हटना एक मिनट हटना। इसमें एक ये फ्लैप दिया होता है, इसको बोलते हैं 3M कमांड टेप। इसके ऊपर आप हुक लगा सकते हैं, पेंटिंग्स कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये एक फ्लैप दिया होता है, इसको प्यार से पुल करना होता है, बहुत प्यार से, कि वो टूटे ना। दिखा ना, टूट गया ना, जैसे कि अभी अभी हरदीप जी ने तोड़ा है इसको, और अब ये निशान छोड़ेगा ही छोड़ेगा। पेंट लगाएंगे। हाँ, आप देख सकते हैं मैंने कितना फ्लॉलेसली करा था, और ये जितने भी कर रहे हैं ये हुक्स, ये सारे तोड़ रहे हैं, और वो जो मैं भर रही थी वो भी सारे इन्होंने ही तोड़े थे। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या 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 कहना है आपका, क्या कहना है? क्यों कर रहे हैं पापा? सब खराब कर रहे हैं पापा, पकड़िए मैं दिखाती हूँ कैसे करो। ठीक है, क्योंकि वो ऐसे खींच रहे हैं। हाँ जी, प्यार से करना है। क्या कर रहे हैं? प्यार से करना है। अम्मा फोन आ रहा है, हरदीप आपका जा रही है, मेरे पापा का फोन आ रहा है, प्यार से करना है। हाँ है। देख सकते हैं आप, ये हुआ है। उस पेंट को देखना। आप देख सकते हैं घर की हालत फिलहाल, ये वाला बेड प्लान कर रहे हैं कि सेल आउट कर दें, क्योंकि बच्चों का ना फिर कमरा ब्लॉक हो रहा है, उनको स्पेस चाहिए, तो इसलिए। बेटा प्यार से आया करो, प्यार से। मैं अपना वॉक इन वार्डरोब बहुत मिस करूंगी। क्या क्या है, कहीं ऐसा कुछ ना रख दें हम कि जो कि चाहिए हो। चलो अभी नहीं चाहिए। ये ले वहां रख बेड। ये डंबल सेट हटाओगे रास्ते से? मैं किसका छोड़ दे बेटा, छोड़ दे, ये ले लेके जा बेड पे, रख दे। थैंक यू। थैंकफुली रिधान हमारी बहुत हेल्प करता है। ये ले, वेट वेट बेटा, इसे वेट, ये पहले इसको खाली कर लो। मेरे को कुक काम करने का शौक है। अच्छा, आपको और किस चीज का शौक है? सब कुछ करने का। अच्छा, और क्या शौक है आपके? बस खाने पीने का शौक नहीं है, अपने आप नहीं खिलाने का शौक। ओके, फिर लड़ाई होती हुई।
इन दोनों को आपस में अकेला छोड़ना एक बहुत ही बड़ा यू नो टास्क है। रिदान स्टॉप इट, चलो लाओ। रिधान और फिक्सिंग नहीं कर सकते हम हाँ। यू विल नीड समबडीज हेल्प, यू कांट टेक दिस टिल। चलिए करिए, चलिए करिए करिए, चलिए करिए 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 करिए। रुको मेरे को बाहर निकालना था उसको, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, पहले बाहर आ जाओ, रूम से बाहर आ जाओ, रूम कैसे टर्न तो करने दो, छोड़ो क्या होता है। ले छोड़ दिया, ये एक चीज और टूटी ना मैं मुंह तोड़ दूंगी। जो तो आप देख सकते हैं ये कभी कभी नुकसानदायक भी बन जाती है, ये जो मैं करूंगा वाली आदत है। तो आप सोच रहे होंगे अनाइशा कहाँ है, तो आपको यहाँ पे ढूंढना है। हाँ जी रिधान जी, रोना पिटना हो गया, रोना हो गया। ओके, तो ये बनिंग से बड़े बड़े बैग्स लाए हैं हम, कुछ कार्टन्स थे, कुछ हमारे बैग्स थे, कुछ ये चदरों में जुगाड़ करा है ताकि सारे एक्स्ट्रा कार्टन्स खरीद के उनको फेंकने से अच्छा है कि ये कर लिया जाए। तो अभी देखते हैं। और ये बहुत ही भारी दिल से मैं बच्चों के सारे कपड़े फाइनली अब डिस्कार्ड कर रही हूँ रिधान के लिए। सब कुछ रखना। ओके ओके, रिधान और मैं बहुत नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं तो हम ये डिस्कार्ड कर रहे हैं। ओके, ये लंगोट अनाइशा के, ये छोटी छोटी बनैने रिधान के तो अनाइशा के लिए संभाले थे पर सारे यूज़ नहीं हुए क्योंकि वो इंडिया बॉर्न है और ये ऑस्ट्रेलिया बॉर्न है, तो सारे कपड़े वहाँ से यहाँ नहीं आ पाए, पर जितने थोड़े बहुत आए थे कोरियर से वो भी यूज़ हुए। बाकी गर्ल का शौक था तो हमने वो भी न्यू ले लिए सारे। पर अब आई थिंक इट्स द टाइम टू थ्रो देम अवे। रिधान को बहुत ही दुख हो रहा है, हाँ जी किनका क्यूब्स को मैं सोच रहा हूँ ऐसी कवर करे हुए हैं, ऐसी ले जाएंगे, ऐसे कैसे मतलब? ऐसे निकालो गाड़ी में रखो ले जाओ। अच्छा, गाड़ी नहीं इसका, फिर निकाल दूं बाहर ही। ये तो बाहर निकालेंगे ही निकालेंगे, मेरा मतलब ये जो क्यूब्स है सिंगल सिंगल इसको निकाल के गाड़ी में रख के कवर करके, कवर है इसके अंदर, ऐसे ही ले जाएंगे। अभी कहाँ रखने? अभी जहाँ जगह मिले। ये अनाइशा के ऊपर कपड़े निकाल दो। ये भी निकाल दिए यार। यार कुछ भी नहीं करा हुआ मैंने, बोल तो रही हूँ मैंने कुछ करा ही नहीं। हाँ अभी डाल रही हूँ, कुछ करा ही नहीं है मैंने। ये ऊपर अनाइशा के कपड़े निकाल दो। यहाँ फेंक दो। या यू गो, वेरी गुड। सामने रख दो, सामने रख के पकड़ लो पहले। कुछ तरीक, अबे इसमें तो उंगली नहीं जा रही। तभी तो तुम उसको पकड़ो, छोड़ दो इसको, इसको छोड़ दो। हाँ इसको पकड़ो, गंदा हो रहा है यार, बहुत साफ करना है इसको। रिधान को कपड़ा दे दो, वो बहुत अच्छा साफ कर देता है। बाहर बिठा देता हूँ। हाँ पहले भी करा था उसने। फिर क्या छोड़ दो हरदीप, भी ऐसे नहीं होगा। पहले भी मेरे को बहुत अच्छे से याद है, इसमें पहले भी बहुत टाइम लगा था। पर ये कॉन्सेप्ट क्यों दिया, क्लिप देते दो। हाँ हाँ नहीं वो महंगा फैन है ना। तो जी आप देख सकते हैं। अरे 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 इसका रिमोट था हरदीप, हमें इसका रिमोट लेके जाना है। वो बाहर रखा है, वो उसी का रिमोट है, मैं बोलूंगा इसी का। ये ले, ये गीला करके दे देती हूँ। तो जी आप किचन का भी हाल बहुत अच्छे से देख सकते हैं, क्या हाल हुआ हुआ है। केयरफुल रिधान, केयरफुल। मैं इतना डरती हो रहा है कि कभी भी
नहीं साफ कर रहा है। ओह तो अब आपको पता लगा है कि अनाइशा कहाँ है। हेलो मम्मा। हाँ जी, और हम इतनी शांति से सब कैसे कर पा रहे थे काम। अनाइशा कपड़ा नहीं, काफी गंदे हैं ये साफ है। और जी रिधान अपना फेवरेट काम पे लगता हुआ, इसको सफाइयां करना बहुत ही पसंद है। और वो वापस हो गई है ना? अब अच्छे से रिधान करेगा। पकड़ ना दूसरे हाथ से, पकड़ तो करियो, फैन को पकड़, फैन अंदर ब्लेड को। हाँ कोई वो थोड़ी लगा हुआ है। काम कर, थोड़ा स्पीड बना दे। तू मेरे को बता गाड़ी में कल कौन-कौन से सामान लेके जाना। हाँ आप समझ आई ये कह रही थी। देख लिया कौन-कौन से लेके जाना यार। एक उसका टॉयज वाला बॉक्स रख देते हैं, खाली कराएंगे, इजी टू खाली है वो। वरना ऐसे तो घर में आप चलने की भी जगह नहीं रही है। वो जाग भी रही है और सब चेक भी कर रही है और फिर आंखें बंद कर लेती है। नाइशु हाँ जी पापा जी कुछ कह रहे हैं आप। तुम भी कुछ कर लो काम। मैं कर रही हूँ व्लॉगिंग कर रही हूँ, ये बहुत बड़ा काम है, हर कोई नहीं कर सकता। ये भी रखा हो ध्यान से, ये टूटने वाला सामान है इसमें। इसमें हाँ, और इसमें अभी डालना है, इसमें डालना है। मैं भी इसको ऐसे पैक में बोला था। इसमें वो डाल दो, वही लाया हूँ ये दो गिरा दो। हाँ जी नाइस। मैं यहाँ लगा देता हूँ। बाहर रख दो, कोई नहीं लेके जाएगा। फ्रेंड्स अभी नींद में तो ये नहीं सेटल होगी। बस ये फेंकना है वैक्यूम। ये एक्चुअली हमने बड़े शौक शौक से कर दे यार। अरे हमें लगा ये खाली है यार। तो जी ये है एक मटर्निटी पिक, ये है जयपुर में हमने रिधान के टाइम पे मटर्निटी शूट करवाया था। चलिए जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। टिल देन सी यू, टाटा बाय बाय, सी यू इन द न्यू हाउस। वूहू।